हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कुमार। आप सभी का एसएससी एरिना में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ओलंपिक 2020 में काफी अच्छी शुरुआत हुई है भारत की। पहले ही दिन हमें मेडल मिला और वो भी सिल्वर। ठीक है, तो आज उसी से रिलेटेड हम टॉपिक देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमें और भी मेडल्स जीतने को मिले। तो दोस्तों, देश की बेटी मीराबाई चानू, ये जो अभी आप इमेज देख रहे हैं मीराबाई चानू, एंड आई होप कि आप सभी ने ऑलरेडी न्यूज में काफी ज्यादा इन्हें देखा, देख ही लिया होगा। इनका कितना काफी ज्यादा भव्य स्वागत हुआ था जब ये मेडल जीत कर आई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो काफी ज्यादा न्यूज में है, तो आपने देख ही लिया होगा। तो आपको आज मैं उन पॉइंट्स को कवर करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज करंट अफेयर इज कंसर्न। ओके, आपको लगभग अगले 1 से 1.5 साल 2 साल तक के लिए किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो इससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स जरूर बनेंगे। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो मेन मेन पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनका नाम याद रखना है, मीराबाई चानू, जो कि आधा नाम है जो कि आप जनरली न्यूज में देखते हैं। आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। तो पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू, ये आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या करती हैं? ये है वेट लिफ्टर। आप इनकी इमेज देख के भी अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये वेट लिफ्टर हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, मीराबाई चानू या साइखोम मीराबाई चानू कहाँ से हैं या किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये है मणिपुर से। ये करंट अफेयर या जीके स्टैटिस्टिक में बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप पूरे क्वेश्चंस को कवर करिएगा। ठीक है, ये ओलंपिक इवेंट है अभी जो हुआ था, इसमें इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल। ठीक है, हालांकि अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है कि जो नंबर 1 पे आई थी चाइना चाइना की वेट लिफ्टर, उन्होंने कुछ धोखाधड़ी किया है। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में पता चलेगा। अगर वो सच साबित होता है तो जो मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल है वो अपने आप गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फर्स्ट जो विजेता है उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, लेकिन वो बाद की बात है। एज ऑफ नाउ इन्होंने सिल्वर जीता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके नाम, उनका पदक और उनके एरिया, उनके क्षेत्र से भी ज्यादा, कि मीराबाई चानू ने कितने केजी के वर्ग में पार्टिसिपेट किया था? तो ये है वुमेन 49 केजी। आपको याद रखिएगा इसे कि 49 किलोग्राम वर्ग के खिलाड़ियों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसका मतलब ये होता है कि इनका वजन 49 से कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 49 केजी से ज्यादा वजन होगा तो ये अपने आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इसके बाद इन्होंने मल्टीपल वैसे तो जीते हुए हैं मेडल्स, लेकिन अभी हम ओलंपिक की बात करेंगे, साथ ही में लगे हाथ देखिए कि इन्होंने 2018 में जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड। देखा, इन्होंने गोल्ड भी जीता हुआ है। कहाँ पे जीता हुआ है? कॉमनवेल्थ गेम में। लेकिन उस समय इन्होंने 48 केजी में पार्टिसिपेट किया था। आप इस चीज को भी ध्यान से देखिएगा, इन्होंने 48 केजी में किया था। तो अगर आप दोनों चीजों को याद रखते हैं तो कंफ्यूजन मत कर लीजिएगा, ओलंपिक में 49 केजी से इन्होंने जीता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, इनको राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किनको खेल रत्न का, राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड दिया गया है, या मीराबाई को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है या नहीं दिया गया है? ठीक है, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो कि खेल के क्षेत्र में सर्वोपरि है, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा अवार्ड माना जाता है, तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों, बहुत सारे क्रिकेटर हैं इंडिया में जो लेजेंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेकिन उनको अभी भी स्टिल उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। पद्मश्री है ना, भारत रत्न से नीचे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री चौथे नंबर पे आता है।
तो इनको ये भी मिला हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये काफी बड़ा नाम है और अब तो और भी बड़ा नाम हो चुका है ये, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए ओवरव्यू देख लेते हैं कि 2014 के कॉमनवेल्थ में इन्हें सिल्वर मेडल मिला था 48 केजी में, ठीक है, तो ये 48 केजी में सिल्वर मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम में, लेकिन 4 साल बाद जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, ये देखिए उसमें इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल, तो आप ये ध्यान रखिएगा अगर ये भी पूछ लेते हैं तो। अब देखिए मीराबाई चानू ने अभी जो 2000 टोक्यो 2020 में ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल जीता है उसमें उन्होंने कितना केजी वजन उठाया था, ये एक प्रिटी गुड क्वेश्चन है, सच में ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कितना केजी इन्होंने वजन उठाया था, इन्होंने उठाया था 202 केजी। तो पहला जो होता है उसमें इन्होंने जीता था 47, मतलब 47 केजी वजन उठाया था, उसके बाद जो 115 केजी उठाया था सेकंड राउंड में, तो इन दोनों को ऐड करके बन गए हैं आपके 202 केजी, ठीक है, 8 7 15, हाँ 202 केजी बन गए हैं, तो इतना ही इन्होंने वजन उठाया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फर्स्ट राउंड क्या है, ये सेकंड राउंड क्या है, इसको जानना है तो आप स्टडी आईक्यू का देख सकते हैं वीडियो, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, या फिर आप कोई और दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, इसमें काफी लेंथी हो जाएगा और वो आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है, जो मेन मेन पूछेगा वो आपने देख लिया। जो पहले नंबर पे आई थी वो थी चाइना की हाउ जियुसी, आप इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, हाई जियुई, आप जानते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, इन्होंने 210 केजी उठाया था, लेकिन अभी कुछ ऐसा डाउट हुआ किया जा रहा है जूरी के द्वारा कि इन्होंने एक तरीके से जो उठाया है इतना ज्यादा वेट, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, तो डाउट है कुछ ओलंपिक के ज्यूरीज को कि इन्होंने शायद कुछ जो ऐसा पदार्थ लिया होगा जिन्होंने इनकी पावर को बूस्ट किया होगा, है ना, कोई गलत सब्सटेंस लिया होगा, तो उस पे चेक चल रहा है अभी, अगर उसमें वो सही साबित होता है तो इनसे गोल्ड छीन करके जो सेकंड नंबर पे है मीराबाई चानू इनको दे दिया जाएगा, ठीक है, तो इनका आपको पूरा नाम याद रखना है, गोल्ड मेडल जीता कहाँ पे था याद रखना है, ओलंपिक में क्या जीता है याद रखना है, ओलंपिक में कैटेगरी इनको याद रखना है, गोल्ड मेडल वेट कैटेगरी याद रखनी है कि इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था वो 48 केजी में था, अभी जो सिल्वर जीता है 2020 टोक्यो ओलंपिक में वो 49 केजी में है, ठीक है, तो ये सारे मेन क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो ज्यादा इधर उधर मत देखिएगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो लेक्चर, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।